थैंक यू एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक बहुत ही वार्म वेलकम मिला है आपको। yeah, yeah. पोस्टर भी हमें बहुत सारी जगह पे देखने को मिले। एयरपोर्ट पे पापाराजी ने आपको स्पॉट किया, मतलब yeah. पूरी मुंबई हिल गई कि यहाँ पर करोड़ आए। व्हाट डू यू से अबाउट कि कैसे फील करते हैं आप जब भी इतना प्यार मिलता है आपको, ऑडियंस मुंबई? एक कलाकार बनके ये तो बहुत अच्छा लगता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मुंबई पीपल द वे द आई हैव रिसीव्ड द केजीएफ। आज केजीएफ जो भी सक्सेस है इसके लिए मुंबई लोग भी बहुत कारण हैं उनकी वजह से, जिस तरह से उन्हें सपोर्ट किया हम लोगों को। साउथ इंडस्ट्री या नॉर्थ इंडस्ट्री ऐसा छोड़ के एक ही सिनेमा जो भी एंटरटेनमेंट देता है उसको एनकरेज करता है, इसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बहुत खुशी है, आज बहुत सालों से मैं आना चाहता था। प्रतीक मेरा दोस्त है, इनके जिम देखने के लिए एक बार आना चाहता था। आज वक्त निकाल के कुछ टाइम मिला है सो आके मिल लेते करके आज फ्री था आया था। जब भी फ्री टाइम होता है आपका, जिम में किसका टाइम निकालते हैं? बॉडी सॉडी बॉडी सोले कितना आर्टिस्ट पर कितना ध्यान रखते हैं? या आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आजकल के लिए, फिटनेस रखने के लिए। तुम इतना बॉडी बनाओ वो ज़रूरत नहीं है, तो फिट रहना वो तो ज़रूर है, क्योंकि अच्छा अच्छा काम करना है तो यू शुड बी फिट। एंड आजकल फिटनेस फ्रिक सबको है, सब लोग फिटनेस के बारे में ध्यान देना चाहिए, सब लोग फिट रहना चाहिए। गरुड़ा आपका नाम बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, आपका रियल नाम लोगों को बहुत ही कम पता है लेकिन गरुड़ा नाम हर एक्टर यही चाहता है कि उसका नाम उसका किरदार अमर हो जाए। या सो ये जो नाम मिला है आपको गरुड़ा, व्हाट्स योर फीलिंग एंड व्हाट डू यू से अबाउट कि गरुड़ा इज लाइक ह्यूज इन वर्ल्ड? या काफ़ी लोग बोलता है ये गरुड़ा जो कैरेक्टर है ये इमॉर्टल है, कभी नहीं जाएगा, लोगों के दिमाग से नहीं जाएगा। पर ये सब क्रेडिट मैं हमारा डायरेक्टर प्रशांत नील को देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कैस्ट किया गरुड़ा के लिए, उनके लिए बहुत आभारी हूँ उसके लिए। बहुत ऐसे मैं भी एक केजीएफ का फ़ैन जैसा हूँ, मैं भी आपके जैसे एंजॉय करता हूँ बस। नो नथिंग, जस्ट आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड्स। दो तीन साल से किसी को नहीं मिला था, आज वक्त निकाल कर प्रत्येक और कुछ दोस्त है मेरा, रवि है, कुछ लोगों को मिलना चाहता था सो आके मिल के जा रहा हूँ बस। KGF3 के बारे में वो मुझे भी मालूम नहीं है यार, मैं भी इंतजार में हूँ। इवन आई एम ऑल्सो क्यूरियस अबाउट दैट। बिग मूवमेंट तो बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रहा था। इट्स बीन नाउ मोर देन 3 इयर्स की इनके लिए वेट कर रहा था कि कब कनेक्ट हो और कब आए मिले, बैठ के बातें करें, आगे कैसा प्लान करना है और भी बहुत कुछ आइडियाज़ शेयर करें। लाइक ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी, तो अभी देखते हैं आगे कैसा है, इनसे और कुछ आइडियाज़ लेके कि और आगे कैसे बढ़ना है बस। एंड आपकी अपकमिंग मूवी का भी कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है?
बहुत कुछ आने वाला है, मैं बताने से ज़्यादा आपको पता चलेगा और एक जनवरी में अनाउंस होगा सब कुछ, या आपको पता चलेगा। तेलुगु में चल रहा है अभी, तमिल में चल रहा है, कन्नड़ा भी चल रहा है, कुछ बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स आने वाला है आपको, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं बताऊँगा। साथ ही जब भी आप कोई भी कैरेक्टर करते हो तो ऑडियंस उसी कैरेक्टर से आपको जज करने लगती है, आपकी इमेज उसी नज़रिए से बनाने लगती है, तो आगे चल के आप ऐसे विलन के कैरेक्टर में या किस तरह के कैरेक्टर में दर्शकों को दिखोगे? अभी लोगों ने मुझे नेगेटिव कैरेक्टर में पसंद किया, मैं वही करने को पसंद करता हूँ और कुछ नहीं। मेरा एजेंडा है नेगेटिव कैरेक्टर्स करने का, कुछ अच्छा अच्छा रोल्स देख के, कुछ अच्छा स्क्रिप्ट आए तो देख के करने को। थैंक यू।